भैया ए चलो भैया जी मालिश करके चले गए भैया जी मालिश छोड़ो हमारी तो कोई हड्डी भी नहीं बची ओके बेहोश एक्शन जी बेहोश हो जाए फेसिंग उधर करके फेसिंग उधर कैमरा की तरफ करके बेहोश हो जा ओके सर लेके फाड़ देंगे फाड़ देंगे हटो 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 देगा मारूंगा पता नहीं चलेगा मार दूंगा पहले बोल रहा हूँ छोड़ दो से बोलो एक्शन एक और हाथ लगाया था भैया जी को काट देंगे साला हट जाओ निकाले क्या निकाले अभी निकाल हट जाओ काट देंगे हटो काट देंगे मार देंगे हम कह रहे हैं मार देंगे भैया जी होश में नहीं है नहीं तो छोड़ते नहीं किसी भैया जी होश में नहीं है वरना वो तुम्हें तुम्हारी हड्डी बस्ती एक कर देते हट जाओ हम काट देंगे सच कह रहे फाड़ देंगे तुम्हें वन मोर हम मार देंगे हट जी हट जाओ मार देंगे हम काट देंगे तुम्हें भैया जी अगर होश में होते ना तुम्हें मार देते हट जाओ हम मार देंगे तुम ओके हो गया भाई सामान ना ज्यादा इधर आ इधर आ ओले इधर आ एक्शन यार वो कैमरा इधर ला रहे प्लीज जाने दीजिए मुझे
जाना है तो जाओ। हाँ जैसे देख रहा हूँ फिर चप्पल उठा कर जाना है तो जाओ, और उससे पहले एक कप चाय पिला दे जाओ। वो क्या है कि हमने सुना है कि मतलब सुना क्या है, जिसके घर से इतना स्वादिष्ट टिफिन आता है उसे चाय बना दो आता ही होगा, पूरा किचन चाय पत्ती सब कुछ। हमें फॉलो करेंगे आपको फॉलो करेंगे, कम कम पर ये इसे कोई लेकर भागे चलिए। अरे चलिए निकलो पिक्चर देखने जा जा। ओके तो माइक नहीं कर रहे और आ गया एक्शन आज कहां से सूरज कहीं और से ही निकल गया है, गलत डायरेक्शन बोल सकते हैं, कहां अब रौनक की तरह आ गई है, रास्ता भटक गई है आई थिंक सो मुस्कान, क्योंकि ऐसा कुछ किया है जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, पर एक्चुअली हुआ भी ऐसा कुछ है, दोनों को बहुत मार पड़ी है और मुस्कान को लग रहा है कि उसकी वजह मतलब ऑब्वियसली उन लोगों के कारनामे ही ऐसे है तो मार पड़ेगी ही, पर नहीं मारना चाहिए था उनको और इतनी सख्ती से मारा, इतनी हार्टलेसली मारा है तो मुस्कान को ऑब्वियसली शी वॉज फीलिंग वेरी बैड एंड गिल्टी, सो दैट्स वाई उसको पता ही नहीं चला उसके कदम कब दिस डायरेक्शन लाइक इट जस्ट फॉलोड दिस डायरेक्शन, तो पहुंच जाती है रौनक के घर। अच्छा मुस्कान एक अर्ज भी कर रही थी, एक रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि पीछा ना करे अब छोड़ दे। यस 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 पर रौनक बहुत ठीक है, मानने वालों में से नहीं है, सर मैं पीछा ना छोड़ूंगा वो वाला टाइप है, तो मुस्कान समझाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो वापस हो सकता है, तो इट्स बेटर कि यू अंडरस्टैंड समझ लो इस चीज़ को और मत करो पीछा। कौन है वो मुन्ने जिन्होंने मतलब मारा है? अब ये तो एक राज है, मुस्कान को अभी तक पता नहीं है कि कौन है, पर उसको बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। ऑब्वियसली मुस्कान को प्रोटेक्ट करने वाले लोग ही होंगे, तो मुस्कान कहीं ना कहीं सोच रही है कि हाँ ये हो सकता है, बट ऑब्वियसली शी इज़ नॉट वेरी श्योर। अब आगे उसको पता चलेगा जब वो घर जाएगी, रास्ते में होगी, कहीं ना कहीं तो इट विल स्ट्राइक हर कि कौन हो सकता है इसके पीछे। अच्छा लेकिन जाने भी नहीं देना चाहते, चाय बनवा रहे हैं जाते जाते आपसे काम भी करवा रहा है। मुस्कान को नहीं पता कि उसने क्यों बना दी चाय, मतलब हाँ ओके बहुत ख़राब हालत थी दोनों की, दोनों लड़कों की, नहीं बना सकते थे शायद, इसीलिए ह्यूमैनिटी के तौर पर आई थिंक मुस्कान ये जेस्चर कर रही है, यस ह्यूमैनिटी। Thank you. Thank you so much. Thank you.